गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज अ सैंपल एंड होल्ड सर्किट। सैंपल एंड होल्ड सर्किट। इन प्रीवियस लेक्चर ऑफ अ सैंपलिंग मीन्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वी टेक अ पर्टिकुलर वोल्टेज या एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट सिग्नल। हमने बताया था कि अगर बेटा, अगर सपोज दिस इज एनालॉग सिग्नल, सपोज दिस इज एनालॉग सिग्नल, एक्स एक्सिस दिस इज टाइम एंड वाई एक्सिस एम्पलीट्यूड। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, सपोज देर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस सिग्नल, देन how we select the sum information from this signal. तो हम लोग बात करते हैं, जब बात कर रहे थे how we convert the analog to digital signal, तो हमने बताया था कि हम सारे सिग्नल के एम्पलीट्यूड को नहीं लेते हैं, बल्कि पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे, सपोज इस पॉइंट पे हम इसका एम्पलीट्यूड कंसिडर कर लिए, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो पर्टिकुलर जो सिलेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सपोज T1 इंस्टेंट में एम्पलीट्यूड, T2 इंस्टेंट में, T3 इंस्टेंट में और T4 टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में हमने उसका एम्पलीट्यूड कंसीडर कर लिया सिग्नल को, T3 और T4। अब देखो बेटा, ये एम्पलीट्यूड एक्सिस है, तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इस सिग्नल में थी, यहाँ से हम क्या किया, फाइनाइट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। मींस जनरली हम कहते हैं कि डिस्क्रिटाइज इन टाइम डोमेन। सैम्पलिंग क्या है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम सैम्पल कर दे रहे हैं, मीन्स डिस्क्रिट इन टाइम डोमेन, कंटिन्यूअस इन एम्पलीट्यूड डोमेन। मीन्स अब देखो, एम्पलीट्यूड डोमेन कांस्टेंट बना हुआ है और हमने टाइम डोमेन में इस सिग्नल को ब्रेक कर दिया, मीन्स हम सैंपल कर दिया इस सिग्नल को। और अगर ये सिग्नल किसी भी डिवाइस के अंदर एंटर कर रही है, हम एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें कि ये इंटरवल ऑफ सैंपल, जो भी सैंपल हो रहे हैं, ये उसको स्टोर करें। स्टोर करने की डिवाइस हम लोग के पास क्या है, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो इंडक्टर जनरली बिल साइड डिजाइन हम लोग को डिफिकल्ट पड़ती है, इसलिए जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर। अगर इस सैंपल सिग्नल को अगर हम यूजिंग स्टोरिंग एलिमेंट लाइक कैपेसिटर और इंडक्टर, यूजिंग दिस स्टोरिंग एलिमेंट, अगर हम इस पर्टिकुलर सैंपल को होल्ड कर लें, होल्ड माने रोक लेना होता है, होल्ड मतलब रोक लेना, तो हम इस सर्किट को ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें जो सैंपल करे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन से फाइनाइट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे, और साथ में इस कन्वर्टेड वैल्यू को अगर स्टोर कर ले, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप की सर्किट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगी उसको हम बोलेंगे सैंपल एंड होल्ड सर्किट। और सैम्पलिंग डिटेल समझने के लिए हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ है, उसको डिटेल में पढ़िएगा। तो पर्टिकुलर सैंपल एंड होल्ड, यूजिंग स्टोरिंग एलिमेंट हम उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को स्टोर कर रहे हैं। अब ये कैसे सैंपलिंग होगी, इसके लिए हमने बात किया था एज अ स्विच। सपोज करो हम एक सिंपल सिग्नल ले रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर हमने एक इनपुट वोल्टेज सोर्स लिया है, इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल वैल्यू RS, और यहाँ पे एक स्विच लिया है। नॉर्मल स्विच आप सोच सकते हो, ऑन होगा या ऑफ होगा। और यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लिया हुआ है फॉर स्टोरिंग पर्पस, वी आउटपुट। अब इस सिग्नल, इस सर्किट को ध्यान से देखिए बेटा, ये स्विच जो S1 है, अब ये इनपुट, जो इनपुट सोर्स है, दिस इज लाइक अ साइनोसाइडल, जैसे हमने बताया साइनोसाइडल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें है, वी इन और टाइम डोमेन में।
तो अब ये स्विच पर्टिकुलर ऑन करेंगे ऑफ करेंगे जब हमें जिस पॉइंट पे इसकी इन्फॉर्मेशन को सैंपल करना है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेना है, उस सपोज करो T1 टाइम में ऑन किए, तो T1 टाइम पे ऑन करने का मतलब इस स्विच को शॉर्ट कर देना, शॉर्ट हो गया। जब शॉर्ट हो गया तो ये वोल्टेज सोर्स इस कैपेसिटर के क्रॉस आ गया, आने के बाद क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। क्या चार्ज होना शुरू होगा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू उस इंस्टेंट पे होगी जब कैपेसिटर ऑन होगा, तो वहाँ से कैपेसिटर चार्जिंग शुरू हो जाएगी, चार्जिंग। तो आप सोचो, सपोज करो T1 टाइम में आपका स्विच ऑन थी, तो T1 टाइम में जो भी इनपुट का एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे एक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब सपोज करो इसको ओपन कर दें, तुरंत ओपन हो गया। ओपन होने का मतलब यह है कि T1 पे सपोज करो 5 वोल्ट तक कैपेसिटर चार्ज था, सपोज करो 5 वोल्ट तक कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब T2 टाइम पे ओपन हो गई स्विच, इसका मतलब अगर आइडियल कैपेसिटर है तो 5 वोल्ट क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम तक मेंटेन किया रहेगा। इसको हम बोलते हैं कि एक कैपेसिटिव एलिमेंट होल्ड द वैल्यू ऑफ दिस इनपुट सिग्नल। अब देखो बेटा, यूजिंग स्विच, स्विच में क्या हो रहा है, परफॉर्म द सैंपलिंग और यूजिंग दिस कैपेसिटिव एलिमेंट परफॉर्म द होल्ड माने रोक लेना। और इस सैंपलिंग और होल्ड के कॉन्फ़िगरेशन को मिला के हम लोग बोलते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट। तो अब देखो, यहाँ पे स्विच जैसे ही सपोज करो इनपुट का ये वैल्यू आया, यहाँ पे स्विच क्लोज हो गई T2 इंटरवल टाइम पे स्विच क्लोज हो गई। तो T2 पे अगर क्लोज हो गई तो जो T2 का इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू होगा, सपोज करो यहाँ पे ये 4 वोल्ट है या सब 4 वोल्ट है या जो भी वोल्टेज है, तो वहाँ से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। और फिर इसको ओपन करोगे तो ये होल्ड कर लेगा उस वैल्यू को। तो इसलिए इस सर्किट का नाम बोलते हैं बेटा सैंपल एंड होल्ड सर्किट। अब देखो बेटा, इसी को हम वेवफॉर्म में दिखाया हुआ है, यहाँ आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हमने एक इनपुट वेवफॉर्म लिया हुआ है, वाइट कलर से जो चाक है, देखिए डॉटेड लाइन इनपुट है। और ये स्विच जो है पर्टिकुलर टाइम में हम ऑन कर रहे हैं, सपोज करो T1 टाइम में और T2 टाइम। अब देखो, जैसे ही इनपुट ए आया तो यहाँ पे हमने ये स्विच है, ये ध्यान देखिए VC, ये क्या है, स्विच। अब स्विच हम पर्टिकुलर ऑन कर दिए, पर्टिकुलर ऑन करने के बाद इनपुट की यहाँ पे इंस्टेंट वैल्यू क्या है, ए है, तो यहाँ से कैपेसिटर चार्ज हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ। और उसके बाद इस जहाँ इसकी लास्ट है यहाँ पे हमने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद क्या हुआ, कैपेसिटर इस वैल्यू से चार्ज हो गया। इस वैल्यू से चार्ज होने के बाद अब हमने स्विच ऑफ कर दिया मतलब कैपेसिटर इतना चार्ज हो चुका था, यही वैल्यू आउटपुट पे मिलती रहेगी। फिर स्विच हमने ऑन कर दिया तो इनपुट की वैल्यू देखो, वाइट कलर वाला ए है, ए इनपुट की वैल्यू है, तो ए क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। चार्ज कब तक होगा, मैक्सिमम वैल्यू तक, जब तक ये स्विच ऑन रहेगी। फिर जैसे ही स्विच हमने ऑफ कर दिया तो यही मैक्सिमम वैल्यू बी आउटपुट में होल्ड कर लेगा कैपेसिटर, तो इसको हम बोलते हैं वी आउटपुट। तो बेटा देखो, एक बार सैंपल हो रहा है जहाँ कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वहाँ उस वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं सैंपल। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपेसिटर वैल्यू को होल्ड कर रहा है, तो इस इंटरवल ऑफ टाइम को हम बोलते हैं होल्ड। अब हम लोग कोई जादू करें, इस स्विच को किसी यूजिंग मॉस्फेट अगर रिप्लेस कर दें, तो हम कहेंगे कि यूजिंग दैट कॉन्फ़िगरेशन वी डिजाइन ए सैंपल एंड होल्ड सर्किट। तो ए आपको क्लियर हो गया। अब हम एक सिंपल सर्किट ले रहे हैं यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सैंपल एंड होल्ड सर्किट वर्क क्या है, सैंपल मीन्स पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में एम्पलीट्यूड, एंड होल्ड मीन्स कैपेसिटर होल्ड द दैट एम्पलीट्यूड एट दैट इंस्टेंट। अब देखो, यहाँ पे एक सर्किट हमने लिया हुआ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर ए,
पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है, इसका मतलब ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जो भी आउटपुट आएगा इन टर्म्स ऑफ माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने एक इनपुट लिया हुआ है वी इन और आर आई रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या है? आर आई है, आर आई। और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, दिस डिनोटेड एज अ आर एफ, आर एफ। और फीडबैक में एक कैपेसिटेंस हमने लगाया है इस रेजिस्टेंस के पैरेलल, वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटेंस इज अ सी। और यहाँ से यहाँ तक एक स्विच लगा दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए क्या है, इस स्विच का नाम हमने यस दिया है, ये स्विच, पर्टिकुलर स्विच। अब देखो बेटा, अगर ये स्विच क्लोज है, सपोज करो स्विच इज क्लोज, यस इज क्लोज, अगर ये क्लोज है तो देखो ये सर्किट किसकी है, आपको पता होगा ये इंटीग्रेटर की सर्किट है। अगर कैपेसिटर यहाँ पे इनपुट साइड लगेगा तो डिफरेंशिएटर होगा, यहाँ लगेगा तो कैपेसिटर। वी आउटपुट अपन वी इनपुट आपने देखा हुआ है, उसके चक्कर में एक किसकी सर्किट है आप कह सकते हो, दिस इज़ अ इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेटर का आउटपुट हम लोग जानते हैं, वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस आर एफ वन आर आई वी इन वन माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर एफ सी। आर एफ इज फीडबैक रेजिस्टेंस, सी इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब देखो, ये आउटपुट हमने डायरेक्ट लिख दिया, when switch s is closed the circuit operate as a practical integrator and output of practical integrator is this। ठीक, अगर स्विच ओपन हो गई तो, सपोज स्विच इज s इज ओपन, अगर स्विच s क्लोज है तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट ए हो जाएगी। लेकिन अगर स्विच ओपन है, पहले शॉर्ट था तो इंटीग्रेटर क्या हो रहा था, वी इनपुट के कारण एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। लेकिन जैसे ही सर्किट ये ओपन हुई तो क्या होगा, वो कैपेसिटर इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगी इसकी, ध्यान से देखिए, ये ओपन हो गया, एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस ये आउटपुट है और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर माइनस प्लस, प्लस टर्मिनल क्या है ग्राउंड, और ए माइनस टर्मिनल यहाँ पे अप्लाई है, दिस इज अ आउटपुट। ये क्या है, वी वी, ए आर आई रेजिस्टेंस और दिस इज अ आर एफ। व्हेन स्विच एस इज ओपन, व्हेन स्विच एस इज ओपन तो इक्विवेलेंट सर्किट कौन सी होगी, ए, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी स्विच लगाया था, आइदर भी ट्रांजिस्टर आइदर भी मॉसफेट, तो उसको हमने ओपन कर दिया है, ऐसा इनपुट लगाया है, तो इक्विवेलेंट सर्किट होगी। तो वी आउटपुट क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे केवीएल यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, दोनों टर्मिनल बिहेव एज अ शॉर्ट, तो यहाँ वी इन है तो यहाँ भी वी इन होगा, यहाँ वी इन और वी आउट में क्या रिलेशन होगा, जस्ट रिवर्स। तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी, एक कैपेसिटर कितनी मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेगा, माइनस वी इन, इतने से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, मीन्स होल्ड कर लेगा इनपुट सिग्नल को। तो दिस इज लुक लाइक अ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब देखो बेटा, इसी स्विच को जनरली जब हम प्रैक्टिकल पर्पज से यूज़ करते हैं तो इस स्विच को रिप्लेस करते हैं आइदर बी ट्रांजिस्टर आर मॉसफेट। तो जनरली इनमें हम एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर ट्रांजिस्टर यूज़ करना होगा तो एनपीएन, और मॉसफेट यूज़ करना होगा तो हम यूज़ करेंगे एन मॉसफेट। तो अगर इस स्विच को ही रिप्लेस कर दें तो हमारा वो जो भी सर्किट बनेगी उसको हम बोलेंगे दिस इज़ अ प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो नेक्स्ट सर्किट में हमने स्विच को रिप्लेस कर दिया है यूजिंग एन मास थ्रेट, एन मास। अब यहाँ पे देखिए, स्विच यस कैन बी रिप्लेस बाय अ ट्रांजिस्टर आर मॉसफेट यूजिंग एन मॉसफेट एज अ स्विच द सैम्पल एंड होल सर्किट। अब देखो यहाँ पे आर एस ले लो, यहाँ वी इनपुट है
अब इस स्विच को हम एक मॉस्फेट से रिप्लेस कर दे रहे हैं। मॉस्फेट में देखो ड्रेन, ड्रेन टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल और गेट टर्मिनल। दिस इज अ सिंबल ऑफ मॉस्फेट, एन मॉस्फेट। अब इसमें देखो ड्रेन इस टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया है और सोर्स को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया है और गेट पे हमने एक पल्स दिया हुआ है, स्क्वायर पल्स दिया हुआ है, मीन्स 1 or 0। अगर स्क्वायर पल्स की वैल्यू हाई रहेगी तो 1 मीन्स इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज दिस इज इक्विवेलेंट टू 5 वोल्ट। अगर 0 मीन्स क्या होता है उसका लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज दिस इज लोएस्ट वोल्टेज 0। अब देखो इसके जस्ट सोर्स पे हमने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। कैपेसिटर क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ होल्ड द वैल्यू ऑफ इनपुट। अब उसके आगे देखो यूनिटी गेन एम्पलीफायर हमने लगाया हुआ है। यूनिटी गेन एम्पलीफायर लगाने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे वोल्टेज रहेगा वही आउटपुट पे मिलेगा। लेकिन आपको लग रहा होगा लगा क्यों रहे हैं? फिर ये लोडिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग यूनिटी गेन एम्पलीफायर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। लोडिंग इफेक्ट, इसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है इसलिए इस पे कैपेसिटर के क्रॉस लोडिंग इफेक्ट नहीं आता, इसलिए हम यूनिटी गेन एम्पलीफायर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। अब बेटे देखो एन मास क्या होता है? आप देखोगे एन मास, सपोज दिस इज एन मास गेट और गेट ड्रेन एंड सोर्स और एन मास का सिंबल दिस। अब देखो अगर गेट पे आप 0 अप्लाई करोगे तो एन मास बिहेव एज अ ओपन सर्किट। कैसा बिहेव करेगा? ओपन सर्किट। और अगर गेट पे आप 1 अप्लाई करोगे, सपोज करो गेट की वैल्यू 1 मीन्स हायर पोटेंशियल, दैट मीन्स एन मास बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। तो देखो अगर हम पल्स अप्लाई कर रहे हैं, आप देखिए गेट पे पल्स, स्क्वायर पल्स मीन्स 1 0। तो जब 1 पल्स आएगी तो एक गेट क्या होगा 1 आएगी तो बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। अगर पल्स 1 आ रही है तो बिहेव एज अ शॉर्ट, अगर पल्स 0 आ रही है मीन्स ए वाली पल्स आ रही है तो बिहेव एज अ ओपन सर्किट। अब यहाँ पे वर्किंग आप देखिए, हमने एक इनपुट सिग्नल लिया हुआ है, सपोज दिस इज इनपुट सिग्नल वाइट कलर से जो है ये क्या है इनपुट, और हमने VC जो स्क्वायर पल्स सेलेक्ट किया है एट गेट टर्मिनल दिस, तो एक बार हम प्लस 5 वोल्ट दे रहे हैं कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए और फिर हम एक पल्स दे रहे हैं जब भी हमें ज़रूरत है हम ऑन कर रहे हैं। तो अब देखो बेटा जैसे ही हमने ऑन किया इसको, VC की वैल्यू 1 किया, इसका मतलब ड्रेन टू सोर्स क्या हो गया? रिप्लेस बाई शॉर्ट सर्किट। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? रिप्लेस बाई शॉर्ट सर्किट। तो जैसे ही शॉर्ट रिप्लेस यहाँ से यहाँ टर्मिनल पे करोगे तो एक कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्जिंग शुरू हो जाएगी। कब तक चार्ज होगा? जब तक आपका गेट पे 1 वोल्ट आपने अप्लाई किया हुआ है। तो देखो 1 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है तब इनपुट क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और चार्ज होके इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसके बाद जैसे ही आपने स्विच को क्लोज कर दिया मीन्स 0 आप अप्लाई कर दिया तो ड्रेन और सोर्स बिहेव एज अ ओपन सर्किट। अब क्या हो गया बेटा? ओपन सर्किट मीन्स देर इज नो कनेक्शन बिटवीन ड्रेन टू सोर्स। तो अब एक कैपेसिटर क्या हो गया? डिसकनेक्ट हो गया दिस सर्किट से, इस साइड के सर्किट से डिसकनेक्ट हो गया। तो जो प्रीवियस वैल्यू है उसी को होल्ड कर लिया और उसी को आउटपुट में मिलने लगी वो वैल्यू। तो अब देखो जैसे ही ये कैपेसिटर यहाँ तक चार्ज हो गया, इस वैल्यू को जैसे ही स्विच आपने ऑफ किया इस वैल्यू को इसने होल्ड कर लिया। फिर नेक्स्ट पल्स आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद क्या होगा? फिर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा और लोएस्ट वैल्यू तक देखो चार्ज हो चुका है। उसके बाद जैसे ही आप स्विच
ओपन किया तो मिनिमम वैल्यू बनाया हुआ है। अगर नेक्स्ट स्विच फिर आपने 1 अप्लाई किया तो चार्ज होना शुरू हो गया। देखिए चार्ज हो गया, चार्ज को मैक्सिमम वैल्यू मेंटेन कर रहा है। तो मींस ए कैपेसिटर चार्ज कब होगा, जब गेट पे आप 1 अप्लाई करोगे। डिस्चार्ज कहें या 0 अप्लाई करने पे क्या होगी, ये सर्किट ओपन हो जाएगी और ए कैपेसिटर वही वैल्यू मेंटेन किया रहेगा, होल्ड किया रहेगा। तो हम कब सैंपल कर रहे हैं, कब होल्ड कर रहे हैं, ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमें कितने टाइम तक होल्ड कराना है। उसके अनुसार मैन्युफैक्चरर ए टाइम डिसाइड करते हैं, होल्ड टाइम कितना होगा, चार्जिंग टाइम इन सैम्पलिंग सैम्पलिंग टाइम क्या होगा, एक्विजिशन टाइम क्या होगा और अपर्चर टाइम क्या होगा, ये सारे मैन्युफैक्चर बताते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट सैम्पल एंड होल्ड सर्किट। लेकिन जनरली सैम्पल एंड होल्ड सर्किट करता क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सर्किटरी के बीच में लगाया जाता है, एक तरह से तो कहें फॉर मैचिंग पर्पज, फॉर एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सर्किट, या कहें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफ़र करने के लिए, मीन्स एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए डिजिटल सिग्नल में यूज़ करते हैं सैम्पल एंड होल्ड सर्किट। और बहुत वाइड एप्लीकेशन ऑफ सैम्पल एंड होल्ड सर्किट है, इसको आप देखिएगा। और थैंक यू।